हैप्पी सीन द साइलेंट वुमेन बाय बेन जॉनसन। ये प्ले मरॉस के ऊपर है, जैसे कि एक साइलेंट वुमेन से शादी करनी होती है एंड एट लास्ट वो साइलेंट वुमेन से शादी कर भी लेता है, नेम्ड एज हैप्पी सीन। बट एट द डे ऑफ द मैरिज कुछ ऐसा रिवील होकर आ जाता है जिससे मरॉस जो होता है उसे डाइवोर्स दे देता है एंड एट लास्ट पागल भी हो जाता है। ऐसा क्या होता है? फॉर दैट आई एम कंटिन्यूइंग द वीडियो, लेट्स सी द वीडियो नाउ। हियर वी हैव द कैरेक्टर्स। फर्स्ट, मरॉस बहुत ओल्ड और वेल्दी मैन होता है एंड जैसे कि अपने नेफ्यू को डिसइनहेरिट करना है, नेम्ड एज डॉफिन। इसका नेफ्यू का नाम डॉफिन होता है एंड ट्रूविड डॉफिन का ही फ्रेंड होता है। देन वी हैव कटबर्ड जो कि मरॉस का बार्बर होता है एंड डॉफिन का हेल्प करता है मरॉस से उसकी प्रॉपर्टी लेने में। देन वी हैव हैप्पी सीन जिससे कि मरॉस शादी करता है। देन वी हैव नेड क्लेरीमोंट, वो डॉफिन का ही फ्रेंड होता है, ये भी एक और। देन वी हैव कैप्टन टॉम वॉटर, ये एक कैप्टन होते हैं। एंड वी हैव लॉफुल एंड डॉ, लॉफुल एंड डॉ ये दो नाइट्स होते हैं। दिस प्ले हैज टेकन प्लेस इन द लंडन, प्राइमरली इन द होम ऑफ मरॉस। ही इज मरॉस, अ वेरी ओल्ड एंड वेल्दी मैन जिसे नॉइज बिल्कुल नहीं पसंद है एंड इसने अपना घर भी एक बहुत नैरो स्ट्रीट में रखा हुआ है, जहाँ पे मतलब लिया हुआ है, जहाँ पे कोई उसे गाड़ियों की आवाज ना है, ये कुछ भी ना सुन सके। एंड बिकॉज ये नॉइज इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एंड ऑल्सो इसने अब डॉफिन को डिसइनहेरिट कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी से। सोच रहा है कि मैं इसे डिसइनहेरिट कर दूँ, ये नीस है इसका डॉफिन। एंड इसने ऐसा इसलिए सोचा है बिकॉज ऑफ इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसने काफ़ी टच करा है इसे पास्ट एक्सपीरियंस में डॉफिन ने। दैट्स वाई मरॉस वॉन्ट कि इसे मैं डिसइनहेरिट कर दूँ। एंड मरॉस शादी भी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं शादी कर लूँ जिससे मैं डॉफिन को अपनी जायदाद से डिसइनहेरिट कर सकूँ। देन डॉफिन जो होता है वो कटबर्ड के साथ एक प्लान बनाता है जिससे वो चाहता है कि एक ऐसी लड़की ढूंढे जिससे मरॉस शादी कर ले, बट वो हमारे अंडर ही हो, हमारे प्लान के अंदर हो, बट एंड वो हमारी ही बातें माने। तो कटबर्ड भी उसका साथ देता है लड़की ढूंढने में। देन ट्रूविट आता है, ट्रूविट भी डॉफिन का ही एक फ्रेंड होता है एंड वो मरॉस को समझाता है एंड मतलब साथ डॉफिन के दे रहा होता है बट मरॉस को जाकर समझाता है कि तुम शादी मत करो, मतलब शादी करके तुम पछताओगे ही, बेशक तुम जितना मर्जी पसंद करते हो किसी को बट तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, शादी से मना कर दो। एंड ये सब गलती आपकी नहीं है, ये लड़कियों की ही गलती होती है, वो सारी करप्ट होती हैं, बेशक आप जितना मर्जी प्यार करते हो किसी को, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। देन मरॉस वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम एंड मरॉस हैज मेट हैप्पी सीन, हैप्पी सीन से मिलता है वो। एंड हैप्पी सीन जो होती है वो डॉफिन और कटबर्ड इन दोनों की ही सेटिंग से होती है एंड ये मरॉस से मिलती है एंड मरॉस को ये बहुत पसंद आती है एंड मरॉस काफ़ी टेस्ट भी लेता है इसके, पेशेंस टेस्ट लेता है एंड काफ़ी वर्चूज बताता है साइलेंस के उसको हैप्पी सीन को। एंड हैप्पी सीन बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है एंड मरॉस को बहुत खुशी होती है कि मुझे साइलेंट वुमेन ही चाहिए थी एंड मुझे साइलेंट वुमेन ही मिल रही है, सो ही डिसाइडेड कि मुझे हैप्पी सीन से शादी करनी चाहिए। सो काफ़ी सारे सपने मना करा होता है, ट्रूविट ने जैसे मना करा होता है कि आप शादी मत करो, इससे अच्छा आप मर जाओ बट शादी मत करो, बट हैप्पी सीन जो मरॉस होता है वो हैप्पी सीन के पीछे पागल हुआ होता है एंड वो शादी करने के लिए हाँ कर देता है एंड उनकी शादी हो भी जाती है। एट लास्ट मरॉस और हैप्पी सीन की शादी हो जाती है, बट शादी वाले दिन ही वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है मरॉस, बिकॉज उसी दिन उसके घर पे इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है, एक परेड निकल रही होती है उसके घर पे, लाइक सब जाने उसके घर पे आए होते हैं, ऑटर भी उसके घर पे आया होता है। ऑटर जो है वो उसी का लाइक एक सी कैप्टन है एंड डॉफिन आया होता है वहाँ पे, ट्रूविट भी आया होता है, सो वहाँ पे क्लेरीमोंट भी होता है, क्लेरीमोंट जो है वो डॉफिन का ही फ्रेंड होता है, लॉफुल एंड डॉ ये दोनों नाइट्स होते हैं, ये भी आए होते हैं वहाँ पे, मिसेज एंड मिसेज ऑटर आए होते हैं एंड ये जो सी कैप्टन है मिस्टर ऑटर तो उनकी वाइफ वो भी आए होते हैं। एंड हैप्पी सीन जो होती है वो भी बहुत शोर मचा रही होती है वहाँ पर एंड ये चीज़ देख के मरॉस तो ज़्यादा मतलब उसे यकीन ही नहीं होता ये क्या हो रहा है, तो वो इतना ज़्यादा पागल हो जाता है ये नॉइज सुनकर, ही वॉन्ट्स कि मेरा डाइवोर्स हो जाए बस अब। एंड वो एक लॉयर ढूंढता है, तो लॉयर्स भी जो होते हैं वो डॉफिन के ही फ्रेंड्स होते हैं एंड उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज करा होता है किसी और लुक में। एंड जो दो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो ऑटर, वो कोई नहीं, ऑटर और
कटबर्ड होता है। कटबर्ड और ऑटर दोनों लॉयर्स बने होते हैं, उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज करा होता है। बट डॉफिन एक शर्त रखता है कि मैं इस एक ही शर्त पे तुम्हारा डाइवोर्स करूंगा जब तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दोगे। एंड मोरोस एग्री कर जाता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें तो अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा बट मुझे डाइवोर्स चाहिए एपिसिन से। एंड वहाँ फिर एक खुलासा होता है, जो एपिसिन होती है वो आती है एंड जो डॉफिन होता है उसका कॉस्ट्यूम चेंज करता है। एंड जब चेंज करता है उसका कॉस्ट्यूम एपिसिन का, वो एट लास्ट एक बॉय निकलता है। सो जो एपिसिन होती है हमारी, एट लास्ट वो एक बॉय होती है, वो कोई गर्ल नहीं होती है। एंड ये सब चीज़ें देख के मोरोस और ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड एट लास्ट जो होता है, मोरोस इज डिसमिस्ड वेरी हार्शली एंड द अदर करेक्टर्स विच वर देयर आर डिसकम्फर्टेड बाय दिस रिवलेशन दैट डॉ एंड फूल हैज फॉर एग्जाम्पल हैड क्लेम टू हैव स्लेप्ट विद एपिसिन। सो दिस इज द प्ले इज ऑल अबाउट।